बहुत सुंदर बात है पूर्णिमा शिव महापुराण में। आप सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना, पूजन कर रहे हैं, कोई गलती रह गई है तो नमः शिवाय बोल लीजिए। माला जप रहे हैं, किसी की भी जपें, आपका इष्ट देव कोई भी हो, राम जी हो, कृष्ण जी हो, भवानी जी हो, दत्त जी हो, आप जिस देवता को जपना चाहते हो जपो, मना नहीं है। पर इष्ट देव आपका कोई भी हो, भजन आप किसी का भी कर रहे हो, पर उस भजन को करने से पहले पंचाक्षर मंत्र जप लीजिए। क्या जपना है? नमः शिवाय। क्यों? अगर हमसे गलती हो गई, हमसे कोई त्रुटि हो गई, तो वो गलती सब माफ हो जाए, छूट जाए। वो गलती माफ कर दी जाए। कीमत मनुष्य की जब बढ़ती है, जब वो सत्संग में लगा हो। कीमत मनुष्य की जब बढ़ती हो, जब वो सत्संग में लगा हो, भजन में लगा हो, कीर्तन में लगा हो, नाम जाप में, मंत्र जाप में लगा हो। मक्खी तो वही है जो तराजू पर सब्जी के बैठी है, मक्खी वही है जो अन्य जगह पर जाकर बैठी है, पर वही मक्खी अगर सोने के तराजू पर बैठती है तो उसकी कीमत 10,000 हो जाती है। आप भगवान की भक्ति में जितना समय लगे हुए, जितना स्मरण में लगे हुए, वो आपकी कीमत मानता है। कोई कहता है कि भगवान अपने भक्तों को दुख क्यों देता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान अपने भक्तों को दुख इसलिए देता है कि जितनी मेली चादर है उसको धोना तो पड़ता है ना, घिस घिस के, रगड़ रगड़ के, जब तक साफ नहीं होगी तो तन पर धारण कैसे करेंगे। भगवान अपने भक्तों को थोड़ा सा कष्ट देता है, भगवान अपने भक्तों को थोड़ी तकलीफ देता है, भगवान अपने भक्त को थोड़ा कष्ट प्रदान जरूर करता है। क्यों करता है? क्योंकि भगवान चाहता है कि मैं इसको घिसूं, साबुन लगाऊं, इसको रगड़ूं तो ये निर्मल हो जाए, और निर्मल होगा तब मैं इसको धारण कर सकता हूं, ये मेरा हो सकता है। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान कोई ऐसे ही फल प्रदान कर दे? कौन सा मंत्र है? नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र का अगर स्मरण कर रहे हैं, पंचाक्षर मंत्र को अगर हम जप रहे हैं, तो पंचाक्षर मंत्र का अगर हम स्मरण कर रहे हैं तो नमः शिवाय। आप किसी भी मंत्र को जपें, किसी भी माला को जपें, किसी का भी स्मरण करें, पर पंचाक्षर मंत्र का स्मरण होना जरूरी है। पंचाक्षर मंत्र का होना जरूरी। कारण क्या है? माना आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादश अक्षर मंत्र का स्मरण कर, माना आपने गायत्री मंत्र का स्मरण करा, माना आपने त्र्यंबकेश्वर मंत्र का, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करा। आप जिस भी मंत्र का स्मरण कर रहे हैं, चाहे देवी के मंत्र का स्मरण कर रहे हो, चाहे आप राम नाम कृष्ण नाम के मंत्र का स्मरण कर रहे हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप किसी भी मंत्र को जपें और किसी भी मंत्र का स्मरण करें, पर उस मंत्र में जपने से पहले, माला बजने से पहले पंचाक्षर मंत्र को अगर हम बोल लेते हैं, नमः शिवाय जप लेते हैं, अगर हमने पंचाक्षर मंत्र का स्मरण कर लिया, तो पूरी माला में अगर कहीं एक त्रुटि भी हो जाती है तो शंकर उसे संभाल लेते हैं, उसका फल हमको प्रदान कर देते हैं। आवाज़ सेट करिए, आवाज़ सेट नहीं। पंचाक्षर मंत्र का मूल एकाग्रित हो जाता है। पंचाक्षर मंत्र की मूलता हमारे सारे दोषों को समाप्त कर देती है। अगर आप पंचाक्षर मंत्र का एक स्मरण कर किसी भी मंत्र को जप रहे, शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है महाराज जी कि अगर मान लो आप किसी पूजन को कर रहे हैं और पूजन में आपको लगता है कि गलती हो रही है, मान लो अगर आपके पूजन में, आपके विधान में, आपके स्मरण में
अगर कोई गलती हो भी रही है तो मालूम यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है कि नमः शिवाय बोल लेने पर वो गलती समाप्त हो जाती हो गई गलती। एक बार प्रेम से बोले नमः शिवाय। अब हमने तो नमः बोला, आपने शिवाय बोला, तो तीन ही अक्षर तो बोले हो, पांच तो पूरे करो। बस यही तो गलती है ना। अब तीन पे अटक कर रहे करे, आतुरता इतनी रहती है ना कि वो उसमें गड़बड़ी हो जाती है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। केवल उस मंत्र का स्मरण ही कर लेना। अगर आप पूजन में गलती कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, भगवान की भक्ति को धारण कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं पूजन कर रहा हूं, मैं पाठ कर रहा हूं, मैं स्मरण कर रहा हूं, मैं भजन कर रहा हूं, पर उस भजन में भी अगर कोई त्रुटि हो गई है तो मात्र पंचाक्षर मंत्र का स्मरण कर लेने पर भी वो सुख का भान एकाग्रित हो जाता, वो सुख का भान मिल जाता। पूरी रामचरितमानस को उठाकर देखिए, पूरी रामचरितमानस। और यदि आप संपूर्ण रामचरितमानस को उठाकर देखेंगे तो भगवान राम ने पूरी रामायण में गोपात केवल एक बार कही है। केवल एक बार। मेरे राघव, अपने मन की बात को, अपने हृदय की बात को जिस समय पर भगवान राम जी के अयोध्या वापिस आ गए, अवध में राज्य स्थापित हो गया, विराजमान हो गए, संपूर्ण परिवार के लोग आकर एकाग्रित हो गए, संपूर्ण परिवार के लोग जब आकर इकट्ठे हुए और एकाग्रित होने के बाद में जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर खास खास लोग बैठे हुए हैं और सब अपने बैठे हुए हैं एकाग्रित होकर, तब राम जी ने मौका देखकर अपने हृदय की बात को वहां प्रकट किया। अपने हृदय की बात को वहां पर प्रकट कर कहा, एक गुप्त मत और तुम ही कहो कर जोरी। एक गुप्त बात, एक मेरे अपने मन की बात राम जी कह रहे हैं कि मैं तुमसे कहना चाहता हूं। और वो गुप्त बात जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं, राम जी महाराज कह रहे हैं, ये मैंने किसी से नहीं कही, पर अपने परिवार वालों को मैं बताना चाहता हूं कि सबसे गोपनीय रामचरित मानस की सबसे गुप्त बात, गोपनीय बात जो भगवान राम खुद अपने परिवार को कह रहे हैं, वो राम अपने मुख से कह रहे हैं। पूरी रामायण में आप छाट कर देखना, ये चौपाई को निकाल कर देखना कि एक गुप्त मत और तुम ही कहो कर जोरी। राम जी जो विशेष निमंत्रण होता है या कोई विशेष बात होती है तो उस पर ही हाथ जोड़े जाते हैं कि मैं हाथ जोड़कर तुमसे एक बात आज कह रहा हूं कि शंकर भजन बिना नर भगति ना पावही मोरी। शिव जी कह रहे हैं ये गुप्त बात है जो मैं आपको समझा रहा हूं, जो मैं आपको कह रहा हूं कि शंकर भजन बिना नर भगति ना पावे मोरी।
अगर संसार में जन्म लेने के बाद आपने शंकर का स्मरण नहीं करा, संसार में जन्म लेने के बाद आपने शिव का भजन नहीं करा, संसार में जन्म लेने के बाद अगर आप शिव के नहीं हुए, संसार में जन्म लेने के बाद आप शंकर का अनुमोदन नहीं कर पाए, संसार में जन्म लेने के बाद आप शिव के नहीं हो पाए, संसार में जन्म लेने के बाद आप शंकर का पंचाक्षर मंत्र नहीं जप पाए, संसार में जन्म लेने के बाद आप शिव की भक्ति में नहीं डूब पाए, तो फिर आपका ये जीवन बेकार है। आप सोचे कि मुझे राम मिल जाएगा, आप सोचे मुझे कृष्ण मिल जाएगा, तो ये कठिन है। मधुमक्खी साधारण मक्खी से बड़ी होती है। अरे बोलो सही है कि गलत है? चलो साधारण मक्खी को भी देख लो। एक मक्खी उड़कर सब्जी वाले के तराजू पर बैठ गई। कुछ बिगड़ा? वजन घटा बढ़ा? तराजू पर बैठ गई, वजन कोई घटा बढ़ा नहीं। और तुम सुनार की दुकान पर सोना खरीदने जाओ और एक मक्खी, समझ गए, बस सोना तोलने के तराजू पर जाकर बैठ जाए तो 10,000 की कीमत तो यूं ही बढ़ जाए। बोलो सही है कि गलत है? बड़ी कि नहीं बड़ी? मक्खी वही है, सब्जी के तराजू पर जाकर बैठी है तो उसकी कीमत नहीं बड़ी, पर सोने के तराजू पर जाकर बैठ गई तो उसकी कीमत 10,000 की हो गई। उसी तरह संसार का मनुष्य मक्खी की तरह है, किसी दूसरी जगह जाकर बैठेगा तो कीमत नहीं बढ़ेगी, पर शिव की कथा में बैठ गया तो 10,000 के मोल का हो गया, कीमत बढ़ गई। मनुष्य वही है, मानव का शरीर वही है, मानव की देह वही है, कीमत बढ़ गई उसकी। वह मक्खी जगह जगह बैठी पर उसकी कोई कीमत नहीं थी, पर सोने के तराजू पर जब मक्खी बैठी है, रिटर्न नहीं चल रहे हैं, सोने के तराजू पर जब मक्खी बैठी है तो उसकी कीमत बढ़ गई। मात्र सोने के तराजू पर बैठते ही कीमत बढ़ गई। पान की दुकान के बाहर बैठोगे तो कोई कीमत है तुम्हारी? मदिरा की दुकान के बाहर बैठोगे तो कोई कीमत है तुम्हारी? दुनिया का लोग कहेगा ये बेवड़ा है रे, दिन भर वहां खड़ा रे, बेकार है ये, तो कोई कीमत? जहां लोग बैठ के पत्ता खेलते हो वहां जाकर खड़े भी हो जाओगे तो कोई कीमत बढ़े तुम्हारी? हाँ, टाइम पास करे ने पत्ता खेलता फिर। जहां लोग मांसाहार करते हो वहां तुम्हारी कोई कीमत बढ़ेगी नहीं। गलत लोगों के पास में जाकर बैठोगे कोई कीमत बढ़ने वाली नहीं है, पर हम तो यहाँ तक कहेंगे कि फेसबुक यूट्यूब पर भी अगर आप फालतू की चीज़ें देख रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, उसमें बस कुछ आड़ा टेढ़ा ही लिख रहे हो, बोल रहे हो, जान रहे हो, तो उसकी कोई कीमत नहीं है। मोबाइल की कीमत तब सही निकलेगी जब तुम उस मोबाइल पर कुछ नहीं तो आधे घंटे की शिव महापुराण ही सुन लोगे तो कीमत तो बढ़ेगी, तुम्हारी कीमत तो बढ़ी। आज फेसबुक यूट्यूब पर इतने श्रोता, इतने प्रेम से, इतने श्रोता भाव से, दिल से, आनंद से अगर कथा का रसस्वादन ग्रहण कर रहे हैं, कथा को श्रवण कर रहे हैं, दिल लगाकर, मन लगाकर 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा कथा के तत्व को धारण कर रहे हैं तो कुछ तो मिल रहा होगा, कुछ तो प्राप्त हो रहा होगा। कीमत सत्संग से बढ़ती। किस जगह पर जाकर क्या बोलना है, किस जगह पर जाकर क्या प्रस्तुत करना है, ये
समय की गणना और आपकी कीमत बताए। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, हे बीरबल, तेरे पिताजी को नहीं देखा रे बहुत दिन से, और आज तक तेरे पिताजी यहां पर नहीं आए मेरे राजभवन में। बीरबल, कल अपने पिताजी को लेकर आना। बीरबल ने मन में सोचा, कहां फंसाया ये अकबर ने, बताओ। हम मेरे पिताजी को बुला रहे। सुन लिया बीरबल? बीरबल बोला, जी हजूर। अब बीरबल घर गया, पिताजी से कहा, पिताजी कल तुमको राजमहल में चलना है अकबर के सामने। पिताजी ने कहा, मुझे काय को ले जा रहा है, मैं नहीं जाना चाहता। वो कुछ पूछेगा जवाब देना पड़ेगा, कुछ बोलेगा तो हुंकारा करना पड़ेगा। अगर कुछ भी पूछेगा तो बोलना तो पड़ेगा ना, अब पूछेगा तो बोलना ही पड़ेगा। कोई व्यक्ति अगर आपसे बात करेगा तो कलकत्ता में कहता ना, हूँ हाँ तो करना ही पड़ेगा, हूँ हाँ बोलना तो पड़ेगा। तू कहाँ मेरे को लेकर जा रहा है उस अकबर के दरबार में? नहीं नहीं, अकबर के पास तो चलना पड़ेगा पिताजी। तो पिताजी बोले, मैं वहां जाकर क्या करूंगा? बीरबल ने कहा, बस एक काम करना, कोई भी प्रश्न वो करे उसका जवाब ही मत देना, बस चुप रहना, एक शब्द मत बोलना तुम, एक शब्द बस इतना ही करना है। हाँ, एक शब्द का जवाब नहीं देना है आपको, बस चुपचाप खड़े रहना, वो बोलता रहेगा, तुम चुप खड़े खड़े सुनते रहना, ठीक है। दूसरे दिन अकबर के दरबार में बीरबल अपने पिताजी को ले गया और पिताजी से अकबर ने पूछा, कैसे हो? अब पिताजी कुछ बोले ही नहीं, छोरा सिखा के लाया था। फिर अकबर ने पूछा, भोजन वोजन कर लिया तुमने, रोटी वोटी खा ली? पिताजी कुछ बोले ही नहीं। तुम्हारे कपड़े तो बहुत जोरदार लग रहे हैं पिताजी। ए बीरबल के पिताजी, कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, कुछ बोले ही नहीं। कहां कहां घूमी आए, कहीं तीरथ वीरथ करने गए थे? पिताजी कुछ बोले ही नहीं। अकबर को तो आ गया गुस्सा भयंकर, और अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल एक बात बताओ, जब किसी मूर्ख के सामने खड़े हो, मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? बीरबल ने कहा, जो मेरे पिताजी कर रहे हैं वही करना चाहिए। क्या करना चाहिए, समझ गए क्या? हाँ, इतनी तो समझ जाना चाहिए तुमको, शिवपुराण इतने समय से सुन रहे थे, थोड़ी बहुत तो, जो मेरे पिताजी कर रहे हैं बस वही करना चाहिए। अगर मूर्ख से पाला पड़ जाए, कोई अपशब्द कर रहा है, ताने दे रहा, गाली दे रहा, आड़ी तड़ी बातें कर रहा है, कोई हमारे धर्म की, हमारे शास्त्रों की निंदा कर रहा है, कोई वेद और पुराण की निंदा कर रहा है, कोई गाय बेटी और ब्राह्मण की निंदा कर रहा है, लग रहा है कि हमारे धर्म की, हमारे हिंदू धर्म की निंदा कर रहा हो, हमारे शास्त्रों की निंदा कर रहा हो, हमारे भगवान शिव की भक्ति की निंदा कर रहा हो, तो उस जगह पर या तो जवाब दो ना दो, पर उस जगह से फिर मौन हो जाओ। मूर्खों से क्या कर? मौन हो जाए, शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की कथा कह रही है। मेरे राघव जी कहते हैं, एक सबसे गोपनीय बात मैं अपने परिवार वालों को बताना चाहता हूं कि शंकर भजन बिना नर भगति ना पावहिं मोरी। शंकर का अगर भजन नहीं है, शिव का स्मरण नहीं है, शंकर का अनुमोदन आप नहीं कर रहे हैं, शंकर की भक्ति को धारण नहीं कर रहे हैं, तो राम जी कहते हैं, फिर मुझे नारायण को, कृष्ण को, राम को पाना कठिन है, फिर राम कृष्ण नहीं मिलेगा, नारायण नहीं मिलेगा, नारायण नहीं मिलेगा, राम कृष्ण नहीं मिलेगा, बड़ा कठिन है। फिर जैसा करोगे वैसा भरोगे।
अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। आप जैसा कर्म करोगे उसके अनुसार आपको फल की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी। आपके कर्म के अनुसार आप फल पाओगे। भगवान की कथा कर रही है। कातिका नगरी का राजा चंद्रहास धनेश्वर ब्राह्मण को जो बात कही थी, धनेश्वर ब्राह्मण ने चंडी देवी का स्मरण करा था, कल की कथा। चंडी देवी ने क्या वर दिया था कि बेटा तो होगा, कितने साल जिएगा? 16 साल। फिर 21वें दिन सामने जो आम का पेड़ होगा उसमें फल लगा होगा, उस फल को तू अपनी धर्म पत्नी को खिला देना, फल पत्नी खाएगी, गर्भ ठहर जाएगा, पर ध्यान रखना कि 16 साल की आयु में वो बालक मरना है। सोलह वर्ष की आयु में मर जाएगा। एक छोटा सा 12 वर्ष का लड़का, बहुत सारे लड़के नदी में तालाब में नहा रहे थे, छोटा सा बच्चा, उसके दोनों हाथ नहीं थे, वो बैठा हुआ था, रो रहा था। शाम के समय पर शंकर और पार्वती वहां से निकल कर जा रहे थे। माता जगत जननी पार्वती जी ने उस छोटे से बच्चे को देख लिया, छोटे से बच्चे। माँ जगत जननी पार्वती जी ने जब वो छोटे से बच्चे को देखा तो माँ जगत जननी पार्वती जी ने उस छोटे से बच्चे को देखकर भगवान भोलेनाथ जी से कहा, भोलेनाथ जी इसके हाथ नहीं है दोनों, आप इसके हाथ दे दीजिए। आप इसके हाथ दो ना भोलेनाथ जी। शंकर भगवान बोले, मैं हाथ नहीं दे सकता। पार्वती मैया ने जिद कर ली, कुछ भी हो जाए आज हम भ्रमण पर निकले हैं, कुछ भी हो पर हाथ जरूर दीजिए। पर ब्रह्मा जी और आप में क्या अंतर है? गया ब्रह्मा जी ने तो लेखनी लिखी, पर आप तो सब कुछ जानते हो, आप तो सब संभालते हो, आप सब जानने के बाद भी ऐसा कर रहे हो, तो आपको हाथ तो देना पड़ेंगे। भगवान शंकर ने कहा ठीक है दे देते। अगर तुम कह रही हो कि ब्रह्मा की लेखनी को मिटाना है तो मिटाने में देरी नहीं करूंगा, लो पार्वती जी मैंने उस बच्चे को हाथ दे दीजिए। अब बच्चे को हाथ दिया तो बच्चा पानी में कूदा, तैरना चालू करा। अब थोड़ी देर बाद शंकर पार्वती चले गए, शिव पार्वती गए, तो वापिस लौट कर आ रहे तो क्या देखा कि जितने तालाब में लड़के नहा रहे थे सब दौड़ दौड़ कर भाग रहे थे, अब वो अकेला पानी में तैर रहा था जिसको हाथ दिए थे। पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, भोलेनाथ ये क्या करा आपने? ये समझ में नहीं आ रहा भोलेनाथ जी कि आपने जो हाथ दिए इसको तो सब तालाब छोड़कर भाग क्यों रहे, सब भाग भाग कर जा क्यों रहे? शंकर भगवान बोले, मैं नहीं बोलूंगा, तू जाकर उन बच्चों से पूछ कि हुआ क्या। पार्वती जी ने जाकर पूछा कि तुम भाग कर कहाँ जा रहे हो? कहा वो लड़का है ना जिसके हाथ नहीं थे और हाथ आ गए, वो हमको पानी में डुबो डुबो के मार डाल रहा। वो हमको पानी में डुबो रहा है और नीचे डुबो देता हमारे ऊपर बैठ जाता है। 4 लड़के मर चुके हैं, सब भग गए। पार्वती जी शिव जी के पास आई, भोलेनाथ दयालु दातार, कृपा सागर, करुणा सागर, हे मेरे शिव, बड़ी उदारता है आपकी नाथ, गलती हो गई, गलती हो गई।
आपने हाथ नहीं दिए थे, उसका कारण अब समझ में आया कि इनके हाथों से गलत काम होना था, उस गलत काम को रोकने के लिए आपने उसके हाथ नहीं दिए थे, पर मेरी जिद पर आपने हाथ दिए, इसने फिर गलत काम करना प्रारंभ कर दिया। सदुपयोग नहीं करा उस हाथों का। पहले भी कथा में कहा, आपको आज फिर कहते हैं, भगवान ने अगर हाथ दिए हैं तो इसको भगवान की सेवा में लगाओ। घर में अगर झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, तो ये विश्वास रखकर लगाना कि मेरे घर में शंकर और पार्वती रह रहे हैं, मेरे घर में श्वास रूपी शिव निवास कर रहे हैं, पार्वती जगदम्बा माँ अम्बा निवास कर रही है, शिव और पार्वती मेरे घर में रह रहे हैं। घर में अगर सेवा कर रहे हो, चाकरी कर रहे हो, घर में अगर सेवा में लगे हुए, तो ये विश्वास रखकर करना कि यहाँ पर भगवान शिव और पार्वती विराजमान है, मेरे घर में शंकर और पार्वती विराजमान है, मेरे घर में शिव और पार्वती रह रहे हैं, मेरे घर में शंकर और पार्वती का निवास है। हम तो बहुओं से भी कहेंगे, घर की बुजुर्ग माताओं से भी कहेंगे, केवल एक व्यक्ति से कहने की कथा नहीं, हम सबसे कर रहे हैं। बहु सेवा इस भाव से करे कि शंकर पार्वती की सेवा कर रही हूँ, झाड़ू भी मेरे शिव पार्वती के लिए लगा रही हूँ, पानी भी मैं शंकर पार्वती के लिए भर रही हूँ, भोजन भी मैं शिव और पार्वती के लिए कर रही हूँ। घर में बुजुर्ग माताएं भी अगर कुछ काम कर रही हैं, तो ये विचार कर कर करो कि हमें शंकर और पार्वती के लिए कर रहे हैं। जितना करोगे उतना मिलेगा, जितना करोगे। दरवाजे पर अगर कोई भीख मांगने आए ना, तो उसको देखकर पहचान जाना, ये तुम्हारे गांव का नगर सेठ था, पुराने समय में बहुत बड़ा सेठ था, धन दिया था, सत्कर्म नहीं कर पाया, हाथ दिए थे सेवा नहीं कर पाए, चरण दिए थे तीर्थ नहीं जा पाए, श्रवण शक्ति दी थी, कान दिए थे पर कथा नहीं सुन पाए, नेत्र दिए थे दर्शन नहीं कर पाए। विश्वास कभी कभी विचार करिएगा। कितना मांग कर, कितना भगवान से प्रार्थना कर कर, कितना कितना निवेदन कर कर, कितना कितना भगवान से बोल कर इस शरीर को लेकर आए थे, पर ये शरीर किसी काम का नहीं रहा, केवल भोग करना है, भोग केवल भोग। पर जिसने भूत भावन भूतेश्वर शंकर पर विश्वास किया, भगवान ने उन पर करुणा भी बहुत करी है। ये आप ही के पत्र हैं, आप लोगों ने भेजे। देखिए, मोनिका जी पाटिल इंदौर से हैं। कहाँ बैठी हैं? आप ही ने पत्र भेजा, खड़े हो जाइए, जरा माइक दीजिएगा इनको। बेटा कहाँ से आए हो आप? इंदौर से आई हूँ। इंदौर से, क्या नाम है आपका? मोनिका पटेल। हम पाटिल पढ़ लियो, हाँ। गड़बड़ी हो गया, ठीक है। तो मोनिका जी पटेल इंदौर से हैं, आपने कुछ अच्छी बातें इसमें बहुत अच्छी लिखी है, क्या हुआ है, बाबा ने क्या कृपा करी आप पर? इसमें आपने लिखा है, गुरुजी मेरी भाभी को 5 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे, सभी जगह का इलाज करवा लिया था, डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया था कि इनको संतान नहीं होगी, फिर मैंने उनको पशुपतिनाथ का उपास का करने का बताया, और आपका जो उपाय है ना, वो सफेद आंकड़े वाला, वो बताया, और उनको उसी महीने गर्भ ठहर गया। बाबा की कृपा हो। अभी कितने महीने उनको? अभी उनको 5वां महीना चल रहा है। अभी 5वां चल रहा है, बिल्कुल स्वस्थ है वो। स्वस्थ है, बाबा की कृपा। बैठिए विराजी। देखिए विनीता जी अग्रवाल कोई देपालपुर से आई हैं, गौतमपुरा जिला इंदौर। कहाँ बैठी हैं आप? ही हैं
माइक दीजिए जरा। श्री आपने जो पत्र लिखा है विनीता जी, आप ही का नाम विनीता अग्रवाल। हाँ, विनीता अग्रवाल। माइक पास में लीजिएगा। देपालपुर गौतमपुरा जिला इंदौर से आप आए हैं। इस पत्र में आपके जो शब्द लिखे हैं बड़ी प्रसन्नता के लिखे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि आपकी प्रसन्नता का अभाव है। हमारा पूरा परिवार रुद्राक्ष महोत्सव में आया था, बहुत बहुत सुंदर बात। आए थे रुद्राक्ष आए थे। बाबा ने हमारी मनोकामना पूरी कर दी है, इसलिए फिर से बाबा को धोख लगाने के लिए आए। ये आपने पत्र में लिखा है। क्या कामना थी आपकी बाबा ने जो दे दी आपको? मेरे छोटे बेटे को IIMS कॉलेज चाहिए था इंदौर का जी, तो उससे मैंने एक पशुपतिनाथ व्रत करवाया था, उसकी सेहत खिला के वो पेपर देने गया था और उसको कॉलेज मिल गया इस बार। बाबा की कृपा, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में आपने लिखा है कि पूरे परिवार को कोरोना हो गया था। हमको नहीं, हमारे आसपास कोरोना था सबको। जी जी, अब ठीक है सब लोग, बाबा की कृपा है। सब ठीक है, सब ठीक है, बस बाबा की कृपा। बैठी विराजी। ऐसे बहुत सारे पत्र हैं जिनका वर्णन अपन बीच बीच में करते रहे कथा का साथ में। बाबा करुणा सागर है, आपका विश्वास इन हाथों से हमने जो धर्म करा है, इन हाथों से हमने जो पुण्य करा है, इन हाथों से हमने जो सत्कर्म करा है, इन नयनों से हमने जो दर्शन करा है, इस मुख से जो हमने पंचाक्षर मंत्र द्वादशाक्षर मंत्र जो भी हमने जपा है, नमः शिवाय बोला चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोला, इन शरीर के द्वारा हमने जो पुण्य कर्म करा है, सत्कर्म करा है, दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, भजन करा, कीर्तन करा, उसका फल कहीं ना कहीं मिलता जरूर। चंडी देवी की आराधना धनेश्वर ने करी थी और धनेश्वर को कह दिया था 21वें दिन सामने जो पेड़ लगा है, सामने जो वृक्ष लगा है आम का, उस आम के वृक्ष में एक फल लगेगा, उस फल को तोड़ लेना, ये कल की कथा में कहा था, उसको तोड़कर तेरी पत्नी को खिला देना। धनेश्वर उस फल को लेने के लिए गया था, बार बार चढ़ रहा था, बार बार गिर रहा था, फिर चढ़ रहा था, फिर गिर रहा था, पर वो फल उस धनेश्वर ब्राह्मण के हाथ में नहीं आया। पर हारी है ना हिम्मत, बिसारी है ना राम। आप अपना अगर कर्म कर रहे हो तो चिंता मत करना, कर्म करने में लगे रहना, पीछा मत छोड़ना। अगर आप कर्म कर रहे हो तो ये विश्वास मानकर चलिएगा कि आपका कार्य आपका विश्वास मानकर चलिएगा कि आपका कार्य होगा ही, कर्म कर रहे हो तो फल जरूर मिलेगा। कर्म कराए तो फल की प्राप्ति तो होगी। कल भी कथा में कहा था, केवल फालतू बैठना नहीं है, और फालतू बैठकर केवल दिन भर व्हाट्सएप नहीं चलाना, दिन भर फालतू बैठकर फेसबुक नहीं देखता फिरना, ये तो फिर वही वाली बात आ गई, जिसका 1.5 GB डाटा भी कम पड़ जाए तो समझ लेना पक्का बेरोजगार है। दिन भर बैठे बैठे, हाँ डाटा खत्म करना हो तो सत्संग में करो ना, 3 घंटे की कथा आती है, सारा डाटा बचा के रखूंगा कथा में, श्रवण करूंगा 11 बजे से 2 बजे तक कथा आएगी तो ऑनलाइन मुझे कथा देखना है। घर पर नहीं देख सकता तो क्या हुआ, दुकान में देख लूंगा, सर्विस में देख लूंगा, नौकरी में देख लूंगा, कहीं ना कहीं उस डाटा का प्रयोग करूंगा। जैसे सारा डाटा बचाकर तुमने भगवान शंकर की कथा में लगा दिया, यूट्यूब पर फेसबुक पर तुम शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, तो भगवान भी तो सारी दुनिया का डाटा बचाकर तेरी किस्मत में देगा। जब तू बचाकर उनको दे रहा है तो वो भी तो बचाकर तुझे कुछ देगा कि नहीं देगा। जो हमने दिया है वो हमको मिलना है पक्का। तुम भगवान को समय दिए हो तो भगवान तुम्हें समय देगा कि नहीं देगा? और नहीं तो दुनिया के लोग तो समय का स्मरण करें, कई लोग तो बात बात में कही देते हैं,
आन दे मेरा समय तब बताऊंगा मैं हूं क्या, आन दे मेरा समय। वो जो अकड़ अकड़ के बोला मेरा समय आएगा ना तब बताऊंगा, और एक दिन छाती में दर्द हुआ, नहीं के उठा के ले गए हॉस्पिटल, ने डॉक्टर ने कह दिया इसका समय आ गया। अब तब समझ में आया कि समय आना किसको कहते हैं, कि समय इसको कहा गया कि ये समय आ गया है, अभी कोई समय, अब समय आ गया, जा रहा है, कुछ नहीं बिगड़ा। ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करता, ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करेगा। अगर धनेश्वर को वो फल नहीं मिल रहा जो फल माता रानी ने बताया, जो चंडी देवी ने बताया, अगर वो फल धनेश्वर को नहीं मिल रहा है तो इसमें धनेश्वर के कुछ कर्म का भाग होगा, कुछ कर्म का भाग होगा। आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप एग्जाम में बैठ रहे हैं, आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आप बार बार प्रयास कर रहे हो, अगर फल नहीं मिल रहा एको, आप अगर बैठे, मान लो आप इंटरव्यू देने के लिए, परीक्षा देने के लिए, कोई कार्य के लिए बार बार जा रहे हो, नहीं हो रहा, हारना नहीं है, हो सकता है हमारा कहीं का थोड़ा सा बुरा कर्म होगा जिसके कारण बस हम सफलता की ओर नहीं बढ़ रहे, पर विश्वास तो है ना भोलेनाथ जी पर, विश्वास तो है ना कुबेर भंडारी पर, विश्वास तो है ना मेरे शंभू पर, मेरे महाकाल राजा, मेरे विश्वनाथ पर। अगर भरोसा दृढ़ी है जब भरोसा दृढ़ी हो जाए, विश्वास पूरा पक्का हो जाए, तो भगवान भी सोचता है कि अब कुछ भी हो इसको फल देना जरूरी है। चंडी देवी ने कह दिया फल तो मिल जाएगा, लगा हुआ भी मिल जाएगा, बस उसको ले जाकर तेरी पत्नी को खिला देना। अब वो फल लेकर चंडी देवी के बताए अनुसार चला भी गया, फल लगा हुआ मिल भी गया, पर बार बार नीचे गिर रहा है, बार बार नीचे टपक रहा है, वो जा ही नहीं पा रहा, चढ़ ही नहीं पा रहा, फल तोड़ ही नहीं पा रहा, सामने लगा। किसी किसी के साथ होता है, भोजन की थाली लगी लगाई रहती है, बस ये प्रॉपर्टी बिक जाएगी, ये ऐसा हो जाएगा, अब की बार मैंने पूरी तैयारी कर ली, इंटरव्यू में पास हो ही जाऊंगा, अब की बार मेरा नंबर लगेगा ही, पक्का है। एकदम भोजन की थाली लगी लगाई, गुलाब जामुन, पेड़ा, भजिया, पकोड़ा, दही बड़ा, इमरती, और अब की बार तो रसगुल्ला भी धरा था, पूरी थाली तैयार थी, सामने आ भी गई। इतनी देर में काका जी आ गया, पूरी थाली उठा के उके देना पड़ा। मन में आया मात्र एक नंबर से रह गया, ये काका टपकी गया, एक नंबर से, कही के हमारा छोरा एक नंबर से रह गया, बेटी दो नंबर से रह गई, कोई एक नंबर से रह गया। कारण क्या है, थाली तो तैयार थी, रसगुल्ला भी आ गया था, गुलाब जामुन भी आ गई, इमरती, भजिया, पकौड़ा सब तैयार है, बट जोरदार लगी, एकदम जोरदार तैयार। बस जीमने बैठा ही था कि अब तो सुतूंगा, अब तो खाऊंगा, और इतनी देर में काका जी आए ने पूरी थाली। कभी कभी तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, कहीं बैठे होगे भोजन करने, इतना इतना रिश्तेदार आ गया ना, मामा जी ने, पापा जी ने, काका जी, ले साहब तुम तो बाद में बैठ जाना, ये डोकरन बैठ जाना, 70 साल का बेचारा, उठो, बुजुर्ग आदमी के पहले बैठा, अपनी थाली अपन को उनको देना पड़ी, होता है कभी कभी, कर्म कर रहे हो। अब ईमानदारी से बोलना, तुमने अपनी थाली उसको दे दी, उसने ले भी ली, तो क्या तुम्हारे पास दूसरी थाली नहीं आएगी, बोलते जाओ जरा जम के, क्या गुलाब जामुन नहीं आएगी, इमरती, भजिया, पकौड़ा नहीं आएगा, बस इतना जरूर हो सकता है कि रसगुल्ला नहीं आएगा, बोलो सही है कि गलत है।
इतना जरूर हो सकता है कि रसगुल्ला दूसरा नहीं आ सकता, क्योंकि रसगुल्ला केवल एक ही थाली में रखना था और वो रसगुल्ला उसके पास पहुंच गया। अब रसगुल्ला नहीं आए तो क्या गुलाब जामुन से काम नहीं चलेगा? बोलता जाओ जरा, इमारती से काम नहीं चलेगा, नुक्ती से काम नहीं चलेगा ना। पर रसगुल्ले का रोना मत रोना, मेहनत तो खूब करी थी गुरुदेव, बिल्कुल और बिल्कुल। अब तो यह काम होना था। एक बार अगर थाली चली भी गई तो कुबेर भंडारी पर से विश्वास मत हटाना। एक बार पशुपति व्रत से काम नहीं बना, विश्वास मत डिगाना। थाली आएगी, भले रसगुल्ला नहीं आए और गुलाब जामुन इमरती जलेबी तो आएगी। तेरे सामने थाली तो वो लाकर रखेगा, उसका नाम ही कुबेर भंडारी है, जो भंडार भरता रहे, कोई साधारण हो सकता है? उसका नाम विश्वनाथ महाकाल राजा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। शंकर के उपासक हो तो भय मत लेना, शंकर के उपासक हो तो डरना मत ही। थाली जाए, जाने दो, आएगा, लगेगी, आएगी। ट्रेन छूट गई ना, इंदौर की, मुंबई की, पुणे की, छूट गई ना। अब कई करोगे, रोगा? अरे बोलो तो सरी, कुछ मत करो, सीधे टिकट के काउंटर पे जाकर कहना साहब ट्रेन छूट गई है, ये टिकट बदलो क्या? बदलाएगा बदलाएगा नहीं, तुम्हारी गलती, तुम लेट क्यों आए? ठीक है साहब, अगला टिकट दे दो ट्रेन का। 300 ही गया ना, 500 ही गया ना, एक बार का प्रयास करा तो ही गया, कोई दिक्कत नहीं है साहब, दूसरा टिकट दो। 4 घंटा लेट आएगी, शाम तक मिलेगी, चल जाएगी, आएगी तो हाँ इसी प्लेटफार्म पे आएगी, पता नहीं है उस पर भी आ सकती, तुम तैयारी रख कर रखो। कभी इस पे आ गई तो इससे बैठ जाना, उस पे आ गई तो उससे बैठ जाना, बैग हाथ में रखना। वो भी चतुर था, उसने कहा अब की बार अटैची लेके नहीं जाऊँगा, बैग पीछे टांग के जाऊँगा, इसलिए जितने छोरा उन दिखेंगे, जितनी छोरियाँ दिखेगी जो इंटरव्यू देने जाए, परीक्षा देने जाए, ये 2-4 बैग लेके नहीं यहीं टांग के जाए, आपकी बार भाग के नहीं पकड़ लूँ तुम्हारा नाम दे, आपकी बार भगवान ही पकड़ लूंगा, एक ही छुट्टी ना छूट जान दो। एक बार हिम्मत हार गए ना, एक बार ट्रेन चली गई ना, कोई बात नहीं, अगली चुकने दोगे नहीं। इतनी मेहनत करना, इतना अनुमोदन करना, शंकर का इतना भजन करना कि अब की बार जैसे ही ट्रेन में बैठो ने बस इंटरव्यू देने जाओ ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और भोलेनाथ गलती हो जाए तो उसको बचाने के लिए नमः शिवाय पंचाक्षर बोलकर निकल जाए, उसके बाद में शंकर जी निपटे, सीट भी वही दिलाएगा, न टिकट नहीं होगा, न टीसी के दूसरे डब्बे में फंसाएगा, तेरे डब्बे में टीसी नहीं आएगा, तू बैठ के ये कांगिया पत्र में एक पत्र है सुनो, चलो। चंद्रशेखर जी शर्मा भरतपुर राजस्थान से आए, कहाँ पर हैं जरा खड़े हो जाइए, धन्यवाद। आपने लिखा है महाराज जी 17 तारीख को मैंने अपनी टिकट कराई थी, लेकिन 49 नंबर की वेटिंग थी, मैंने क्या हुआ जरा आगे का वो बताएंगे, उनको माइक दो जरा। देखो बहुत सुंदर बात कही, टिकट की बात आई तो टिकट का पत्र याद आ गया, ऐसे याद आ जाए ना टिकट का पत्र, देव जरा। महाराज 17 तारीख को टिकट कराई थी तो मेरा 49वां बेटिंग था, मैंने कहा आप कैसे भी करें मैं मरूं या करूं, कैसे भी करूं मैं गाड़ी में लौटते पीटते चला जाऊंगा, वेटिंग नहीं मिली तो मतलब कोई बात नहीं है, मैं जैसे भी चलाऊंगा भारत। शाम को 7 बजे कंफर्म हो गई टिकट और मैं गाड़ी में बैठ करके भगवान के दरबार में आ गया। राधे, विश्वास पक्का था ना चंद्रशेखर शर्मा जी, इसलिए भोलेनाथ जी ने सब क्लियर कर दिया। बैठिए, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। अगर विश्वास है, भगवान ऐसी कृपा करे, भले लेट कंफर्म करा पर तुम सबके भी टिकट कंफर्म कर दे, बस इतनी शंकर से प्रार्थना है कि एक बार जो विश्वास लेकर आयो, जिस विश्वास से आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो,
मेरे नवयुवक बच्चे अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं। महाराज सारा जितने भी जगत के चैनल हैं सारे चिंता में पड़े हुए हैं कि यूट्यूब पर 40-40, 45-45, 50-50 हज़ार लोग लाइव कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर आने के बाद भी। ये नवयुवक टीम जो लगी है, लगे भगवान से प्रार्थना है अगर बाबा ने कृपा कर दी तो तुम्हारा कन्फर्म पक्का है। जब हमारे शर्मा जी का पक्का हो सकता है, भरतपुर वाले जो आए हैं तो बाबा क्यों ना करेगा। उस पर विश्वास रखना, बस विश्वास मत डिगने देना। अगर भरोसा नहीं डिगेगा ना तो ये पक्का है। दुनिया के लोग कहेंगे आपसे, अरे कहाँ चक्कर में पड़े हो, कहाँ शंकर जी का भजन करना, कहाँ शिव जी को लोटा भर के पानी चढ़ाना, वो सियोर वाला महाराज तो पगला है, उन्हें तो अकल ही नहीं है, कभी काली मिर्ची चढ़वा देता है। अरे भैया काली मिर्ची चढ़ाई विद्येश्वर संहिता के श्लोक संख्या 57 नंबर को पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि काली मिर्ची शंकर को चढ़ाने से शत्रुओं का नाश होता है, कार्य की सिद्धि होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। पढ़ोगे तो मिलेगा ना। कुछ प्राप्त होगा फिर वही बात कहेंगे, कड़प ने तो शंकर भगवान पर मुंह में पानी भरकर भगवान शिव पर थूक दिया था, नहीं था कुछ तो मांस का भोग लगा दिया था। पंडित जी ने शंकर जी को पिंजरे में बंद कर दिया था, ना जाने कौन मांस पटक कर जाता है। पिंजरे की एक तान, जैसे मिट्ठू का पिंजरा होता है, तोते का पिंजरा होता है, उसकी एक तान टूट गई और शंकर के शिवलिंग को लग गई, शिवलिंग में से रक्त बहने लगा। कड़प को लगा आज मेरे भगवान की आंख फूट गई। अब शिवलिंग में उसको आंख नजर आ रही थी, जरा देखिए मेरे भोलेनाथ जी की एक आंख टूट गई, आंख फूट गई तो रक्त निकल रहा है, मैं क्या करूं। अब मेरे को, मैंने किसी के प्रवचन में नहीं सुना कि क्या करना चाहिए, पर मेरी माँ ने कहा था कि कोई अंग अगर बेकार हो जाता है उसकी जगह पर वही चीज दूसरी लगाई जाती है। यहाँ की चमड़ी बेकार हो गई तो जंघा की चमड़ी निकाल कर लगा दी जाती है। उस कड़प को याद था, उसने कहा मेरे शिव को अगर शंकर की आंख फूट गई है, चली गई है, समाप्त हो गई है, तो कड़प ने कहा मैं अपनी आंख निकाल कर लगाऊंगा। उसने त्रिशूल उठाया, अपनी आंख निकाली, शंकर को लगा दी। यहां तो शिव को आंख लगना थी, शंकर प्रकट होकर उसको आंख वापिस प्रदान कर दी, वापिस नेत्र दे दिए। अपने पास कुछ नहीं रखता वो, तुमने जो दिया उसको वापिस दे देता है, इसीलिए तो हर किसी से कथा भी नहीं करवाता वो। पैसा उसी का खर्च मेरा भोलेनाथ अपने ऊपर करवाता है जिसको वापिस देना है, नहीं तो दुनिया में ऐसे ऐसे करोड़पति पड़े हुए हैं जो मन में अभिलाषा लेके बैठे हैं, हम भी कथा कराएंगे, हम भी कथा कराएंगे, बस ये हो जाए हम कराएंगे, ये हो जाए हम कराएंगे। भगवान उनकी कथा ही नहीं होने देता, और पक्की हो भी जाए तो कैंसिल हो जाती है। क्यों? भगवान कह रहा अगर इसने 500 रुपए खर्च करे तो मुझे 1000 इसको लिफाफा में देना पड़ेगा, इसलिए इसके 500 मेरे ऊपर खर्च ही नहीं करवाना, इसकी तो गलत जगह लगा दो, नहीं का छोरा गया ने लगाया यार। लगाना थे भोलेनाथ जी के टीके में, वो लगाया ठेके में। अब लोग क्यों, क्यों साथ, तुम तो कथा करवाने वाले थे, शिव जी का टीका करने वाले, अब कई करू छोरा ने सर सब साथ। आपसे भी निवेदन है, भगवान से विनती करना, धन देना भोलेनाथ, आई हूं तेरे दरवाजे पर, तेरी कृपा पाने के लिए आई हूं, संपदा ऐसी देना कि एक बार शिव कथा करवा लूं, एक बार मेरे मन की अभिलाषा पूरी हो जाए, बस यही। बस
इतनी दया जरूर कर दी। अपने लिए बहुत कम मांगो। वो कहते हैं ना, हमने देखा है वो कौन बनेगा करोड़पति, उसमें जितने सामने सीट पे बैठे रहते हैं उनसे पूछो तो क्या, मैं मेरी मम्मी के लिए मकान बनाऊंगा ना, मैं ये करूंगा ना, मैं मेरे लिए ये करूंगा ना, मैं उसके लिए ये करूंगा ना, मेरी बहन के लिए ये करूंगा, मैं हमारा जीजा के लिए करूंगा ना, भाई के लिए ये करूंगा, एक के मुंडा से नहीं निकला कि एक बार शिव पुराण की कथा करूंगा। एक बार मुंह से निकल जाता तो 5 करोड़ तक तो यूं पहुंच जाता। भगवान को भी लगता ना कि मेरे चक्कर में करने बैठा है, मेरे चक्कर में हर सीट पे बैठा है, मेरे चक्कर शिव का अनुमोदन करो। भोजन भी करूंगा तो शंकर के लिए, भजन भी करूंगा तो शंकर के लिए, कमाऊंगा भी तो शिव के लिए, क्योंकि मेरे घर में बच्चे कौन है, शंकर का अवतार। श्वास श्वास में शिव रटो, अर्थात जन्म मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवरण होए ना होए। घर में पत्नी है पार्वती का रूप, शंकर पति का रूप, घर में बच्चे सब शिव का रूप, क्योंकि श्वास जिसकी चल रही है वो श्वास में ही तो शिव बसा है। जब तक श्वास है तब तक शरीर है, श्वास निकल गया वो शव बन गया, शिव निकलने के बाद शव बनता है। शिव रहेगा तो शरीर रहेगा, शिव निकल गया तो शव बन गया। अरे इनके चक्कर में मत पड़ना, संसार वालों के चक्कर में, परिवार और संसार के चक्कर में पड़ोगे कुछ नहीं होगा। 10 दिन 12 दिन आंख में से आंसू झड़ाएंगे और बाद में 13वें के दिन नुक्ती झड़ेंगे, कोई नहीं याद करेगा। 13वां में 12वां के दिन जैसे ही मरे, 10 दिन 11 दिन तो लोग याद करेंगे और 12वें के दिन कहेंगे गरम पोड़ी ला रे, गरम ला। अब बेचारा वो मरी गया, ठंडी खा ले, गरम गरम लाओ साल। बताओ इतना रिश्तेदार जा जरा गरम लिया, अपना वाला के तो गरम, अपना वाला के तो गरम गरम खिलाओ, नहीं तो पंडित जी के हमने 13 के तो गरम ही खिलाई उनके। और देख जरा खोपरा पाक बनाओ तो 2 पीस। अच्छा अब कोई नहीं याद कर रहा कि भैरू सिंह निपटी गया, कौन याद, नहीं याद कौन करे कि भैरू सिंह निपटी गया। तो टेबल पे फोटो धरा और माला पड़ी, अब इनकी गुलाब जामुन और पत्तल जितनी फोटो के सामने धरी ऊपर तो सब मक्खी पड़ी, और बाकी के तुम झड़ रहे नुक्ती ने, गुलाब जामुन ने, पूड़ी ने, बढ़िया जोरदार जोरदार सब सामान। और जितने मेहमान जा रहे थे तो उनको भी पन्नी में बांध बांध के डब्बा आधा किलो का मिठाई का, उनमें खोपरा पाक ने, नुक्ती ने, सेव और दे दी कि ये तो निपट गए, तुम निपटाओ। अब बोलो इसके बाद भी, 13 13 दिन याद करे क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। 13 दिन के सिवा कोई याद नहीं करेगा, 13वें दिन तो झरे नुक्ती झड़े, खूब खा गरम लाओ, गरम लाओ, दो तरी सब खा। अभी भी मौका है, कहीं नहीं बिगड़ा, ट्रेन स्टेशन पे ही खड़ी है। बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, बुढ़ापा मत बिगड़ने दो, कहीं नहीं बिगड़ा, अभी भी अपनी जगह पे ही है, अपनी जगह पे। काया कितनी भी सुंदर होगी, एक दिन बुढ़ापा आएगा तो झुर्री तो पड़ेगी। जब सियोर वाला महाराज कहीं उड़ी गया तो तुम्हारा कहीं बचने वाला, बोलो तो ईमानदारी की बात, दूसरे की क्या बोले, अपन तो अपनी बोलो नहीं, उदाहरण भी दो तो अपना दो, दूसरे का कहीं काग दो, कहीं करो उदाहरण दूसरे का देगा। काया कितनी भी सुंदर हो, एक दिन बुढ़ापा आते आते यूच लटकी जाए, चाहे बादाम खा लो चाहे काजू खा लो, चाहे कितने फेरन लबली लगा लो, सब जुर्रा
और कितना भी ताकतवर हो, अरे साहब वो बिल्डर बॉडी, वो कि मेरी बॉडी ऐसी, और मैंने कईयों को पछाड़ दिया, मेरी दम क्या देखी तूने, अभी तुमने देखा क्या? मैं अच्छा अच्छा दमदार उनके भी देखा ना, बेचारा खाक में पड़िया, उनके भी चार लोग तोक के ले जा रहे हैं, राम नाम सत्य कह रहा है, तो क्या कौन मर गया? के पहलवान साहब मर गए, तो कि इतना पहलवान था तो काय को मारा, दूसरे के मार देता, नहीं साहब पहलवान साहब निपट गए। के कहां का पहलवान था? 500 कुश्ती लड़ी, स्टेज पे आता था नहीं तो ऐसा तेल में लगा ही नहीं, सो ऐसे बॉडी सॉडी दिखा है, कई पहलवान था, तो क्या कहां गया? तो इतना पहलवान के फिर लेके कौन जा रहा के मोहल्ला का चार पांच भाई राम नाम सत्य के, अब इतना बड़ा पहलवान खुद चले जाता शमशान तक? बोलो कुछ गया? अच्छे से अच्छे दमदार की भी दमदारी निकल जाती है, कितनी भी सुंदर काया हो माटी मिल जाती है, पर मरने के बाद भी अगर कुछ रह जाता है तो आपकी अच्छाई कभी नहीं मरती, वो हमेशा परमानेंट रह जाती, वो कभी नहीं मरती। आपका अच्छा कर्म, आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका स्मरण, आपका मंत्र जाप, आपका नाम जाप, आप जो शंकर का भजन कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप रहे हो, नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र जप रहे हो, ये कोई नहीं ले जा सकता, ये तो तुम्हारा रहेगा। भले तुम चले भी गए ना तो लोग कह देंगे साहब बहुत भजन करती थी रे, मोहल्ला की चार पांच माताओं को बिठा के ढोलक पीट पीट के खूब भजन गाती थी, हो इतना जोरदार भजन गाती थी, और ने कहीं की झगड़ा कर करी के मर जाए नहीं तो लोग क्या अच्छा है, पूरा मोहल्ला के कच्चा नीचे। दादा भगवान से प्रार्थना है, आपके तो भेज दी थी हमारा कॉलोनी में, स्कीम नंबर 71 में, 72 में, 74 में, आपकी बात इसको भेज दी तो 76 में, पर हमारे यहां मत भेजना भगवान, रख लो। ये कहीं की 71 वाली बैठी हो तो बुरा मत मान जा रही, अब इसका करे कल की कथा कहें, कल जो लोग यहाँ रुके होंगे उनको मालूम होगा शाम को 5-6 बजे बड़वानी का लोगों आए थे कथा लेने के लिए, अध्यक्ष वगैरह, तो वो कथा सुना रहे थे कि हमारा क्षेत्र का लोग जब कथा सुनने बैठे गुरुजी, और वो माइक की आवाज़ जब तक तेज रहनी तो हमारी अम्मा उन सब पलंग पे रहे, और जैसे ही माइक की आवाज़ थोड़ी भी कम हो तो अम्मा उचक के तुरंत टीवी के पास बैठ जाए, हमारा छोरा और उनकी वीडियो बनाए। कथा का रसतत्व ग्रहण करना आनंद अनुभव, फल मिलेगा जरूर, इंतजार करना, भगवान पर विश्वास रखना, धनेश्वर ने उस फल को पाने के लिए सदगुरु की शरण ली, गुरुदेव माता जी ने कहा था 21वें दिन फल मिलेगा, मेरे को फल मिल गया, सामने लगा भी है पर मैं खा नहीं पा रहा हूं, मैं लेकर आ नहीं पा रहा हूं, मैं चढ़ता हूं गिर जाता हूं, बार बार प्रयास कर रहा हूं पर नहीं मिल रहा, जब बार बार प्रयास करने के बाद थाली खसक जाए, भोजन ना मिल पाए, कोई काम ना हो पाए, तब सदगुरु के पास जाना, गुरु कुछ भी एक उपाय बता देगा, बाबा कहीं करुणा कर देगा, फिर फल मिल ही गया। धनेश्वर को कहा एक काम कर, जिस वृक्ष पर चढ़ रहा है आम के, देवी ने बताया है ना, चंडी देवी ने उस फल को बताया है ना, चंडी देवी ने उस वृक्ष को बताया है ना, तो अगर भगवान ने उस वृक्ष को प्रेरणा दी है तो वह वृक्ष साधारण नहीं हो सकता, उसको विनती कर, हे वृक्ष देव कृपा करोगे हमको ये फल दे दीजिए, माता की आराधना करना, कुल देवी देवता का स्मरण कर प्रणाम कर उस वृक्ष को दंडवत करना, और दंडवत कर चढ़ जाना, तब धनेश्वर ने उस वृक्ष को दंडवत करी। अब दुनिया के लोग कहेंगे बताओ बेलपत्री के पेड़ को दंडवत करने से क्या होता है, लोग कहेंगे पीपल के पेड़ को दंडवत करने से क्या होता है, लोग कहें कि बड़ के पेड़ को दंडवत करने से क्या होता है, ये हिंदू धर्म है, हमारा शास्त्र है, हमारे यहाँ
वृक्षों की भी पूजन होती है तो नदियों की भी पूजन होती है, पशु और पक्षियों की भी पूजन होती है। प्रणाम कर, चढ़, क्यों ना मिलेगा तुझे। गया धनेश्वर ने जाकर प्रणाम किया। दंडवत करा, देखिएगा सारी दुनिया में बोली जाने वाली सबसे मीठी बोली कौन सी है? सारी दुनिया में बोली जाने वाली सबसे मीठी बोली कौन सी है? तो कहा मतलब की बोली। कौन सी बोली है? सारी दुनिया में जितनी बोली बोली जाती है उसमें सबसे मीठी बोली होती है मतलब की। इतने प्रेम से बोले, इतने प्रेम से, ए जी, जैसे ही प्रेम से बोले तो खसक लो जी, नहीं तो 500 गया जी। प्रेम की मीठी बोली सबसे, अगर सबसे मीठी बोली पूरे विश्व में, संसार में अगर कोई चीज की है तो वो केवल मतलब की बोली है। अगर व्यक्ति का मतलब है तो वो आपसे इतना प्रेम से बोलेगा, जैसे वो फोन लगाओ तो नहीं बोले 500 का रिसर्च कराओ, नहीं ये कराओ, नहीं वो कराओ। और जब तुम्हारा बैलेंस नहीं आए और तुम डबल से फोन लगाओ तो इसी अल्लाह के बोले, चिल्ला के बोले। जब किसी से किसी को धन लेना हो, भैया जी, काका जी, मामा जी, बुआ जी, फूफा जी, नाना जी, और जब तुम अब उसके यहाँ लेने जाओ तब कहीं खा के भग रिया है, दे देंगे हम, कोई खा के भग रहे हैं क्या, देंगे। प्रेम अर्थात मीठी वाणी मतलब की हो, मीठी बोली मतलब, फल नहीं मिला। कैसे? दंडवत करा, प्रणाम करा। भगवान को प्रणाम करना तो मतलब के लिए मत करना, भगवान को प्रणाम करना तो वो कर रहा है तो ठीक है, दे रहा हो तो ठीक है, नहीं दे रहा हो तो ठीक है। अपन अपना कर्म करना मत छोड़ना, कर्म करते रहोगे तो एक ना एक दिन तो फल मिलेगा। एक पहले कथा सुनाई थी, याद होगी, एक गुरुजी ने अपने चेले से कहा कोई एक नियम ले ले। उसने नियम लिया कि मेरे पास में कुमार रहता है, उसका मुंह देखूंगा तभी भोजन करूंगा। पहले कथा सुनाई थी, वो कुमार का मुंह देखने लगा, सिर्फ छत पे जाता, कुमार का मुंह देखता, रोटी खा लेता। एक दिन कुमार गायब हो गया, उसके घर जाके पूछा क्यों कुमार कहाँ गया, कि वो तो मिट्टी लेने गया, अब रोटी कैसे खाऊंगा। किधर गया? उधर गया, वो उधर पहुंच गया। नियम तो नियम होता, मतलब का नियम नहीं होना चाहिए, मतलब से परे नियम होना चाहिए। गया कुमार मिट्टी को खोद रहा था, उसको सोने का हंडा मिल गया। ये दौड़ कर गया, इसने कुमार का मुख देखा, देखते सी बोला देख लिया देख लिया देख लिया, और भाग गया। और कुमार ने सोचा इन्हें सोने का हंडा देख लिया, और कुमार हंडे को छुपा कर वापिस उसके पास गया। अरे इधर तो आ, इधर आ, जल्दी पकड़ को, पकड़ा उसको, इधर आ, देख लिया। अरे क्या देख लिया? बस देख लिया। उसने कहा देख लिया तो आधा आधा कर लेते हैं, चल। उसको ले गया, मिट्टी में से हंडे को निकाला, आधा धन उसको दिया, कुमार ने आधा रखा। उस व्यक्ति ने जाकर गुरुजी के चरण पकड़ लिए, नियम कोई भी हो उसका फल मिलता जरूर है। ये सोने का फल, ये फल मुझे। अब नियम तो बनाओ कि मुझे 7 दिन शिव महापुराण की कथा सुनना है, एक आसन से सुनूंगी, मन लगाकर श्रवण करूंगी। मैंने सुना है शिव महापुराण की कथा, भले टीवी के सामने बैठकर सुन लो और एक मन लगाकर सुन लो, एक चित्त लगाकर सुन लो, बाबा देता है।
आज यहाँ पर ये इतने पत्र आए हैं तो ये कोई यहाँ बैठकर किसी ने कथा कम सुनी होगी, पर सुनी होगी तो सबने टीवी पर सुनी होगी। मन लगाकर कथा सुनो, भले मोबाइल पर सुनो, टीवी पर सुनो, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण करो, पर चित्त लगाकर अगर श्रवण कर रहे हो, तुम दिल लगाओ तो सरी, हृदय लगाओ तो सरी, मन लगाओ तो सरी। पहले ऐसा नियम था कि अगर बेटी याद करती थी तो मम्मी की हिचकी आ जाती थी, बोलो सही है कि गलत है, और माँ याद करे तो बेटी की हिचकी आ जाती थी कि हमारी छोरी याद कर रही है। बस उसी तरह तुम मन लगाकर कथा तो सुनो, शिव को याद तो करो, उसके भी एक आध बार डुचकी आ गई ना, हिचकी, तो बस अपना काम हो गया। और अपन याद करें तो हिचकी उसे आना चाहिए। तुम तुम्हारी हिचकी की दिक्कत मत पाल लेना हो कि शंकर जी याद करे और हिचकी मुझे आए, शंकर जी याद कर और हिचकी तुझे आए, नहीं तो गई, एक ही हिचकी में निपटी पड़ेगी। तो अपन तो ये कहो कि उसको हिचकी आए, मैं जब याद करूं वो दौड़ कर आए। बस वही याद कर, उसके सिवाय कोई नहीं। महाराज आम के वृक्ष ने कृपा करी और तब धनेश्वर ब्राह्मण ऊपर चढ़ा। ऊपर चढ़कर धनेश्वर ब्राह्मण ने उस वृक्ष पर केवल एक फल लगा हुआ था। पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक फल धनेश्वर ब्राह्मण को मिला। धनेश्वर ने विचार करा, इसके सिवाय कोई दूसरा फल तो नजर भी नहीं आ रहा, यही फल होगा जो माता चंडी देवी ने बताया है, वही फल धनेश्वर ने ले लिया, वही। फल को लिया, पत्नी को दिया, पत्नी ने खाया। एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम देवीदास था। क्या नाम पड़ा? क्योंकि देवी माता ने, चंडी देवी ने उस पुत्र को दिया था, इसलिए देवी का दास। जिस दरवाजे से कुछ चीज मिली हो उस दरवाजे को कभी मत भूलना। प्रभु तेरा द्वार ना छूटे रे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा द्वार ना छूटे। जिस दरवाजे से हमको मिला है, जिस द्वार से हमको प्राप्त हुआ है, उसको कभी ना भूलें। देवीदास उसका नाम रख दिया क्योंकि देवी से ही प्राप्त हुआ था, देवी का ही वो दास है। पर मन में एक भाव जागृत हो रहा है, मन में एक विचार आ रहा है। 16 वर्ष में मर जाए, 16वें वर्ष में ये समाप्त हो जाए। मृत्यु निश्चित हो गई थी इसकी कि ये 16वें वर्ष का जन्मदिन मनाएगा, 24 घंटे पूर्ण होंगे और ये मर जाएगा।
अब देवी माता से इसने प्रश्न किया था, चंडी देवी से, माँ हे माँ अगर आप कह रही हो कि 16वें साल में ये मर जाएगा तो बचा तो आप ही सकती हो ना। चंडी देवी ने कल कथा में कहा था कि चंडी देवी ने कहा था कि मैं नहीं बोलूंगी कुछ भी, मुझसे तो तूने केवल पुत्र मांगा है इसलिए मैंने पुत्र दिया है, पुत्र मांगा इसलिए पुत्र दिया है, पर जिसने मेरी आराधना बताई थी तो उसी की शरण में चले जा। और उसी समय धनेश्वर संत के चरणों में जाए, तो संत को ढूंढो। बहता पानी रमता जोगी एक जगह पर अगर टिका हुआ है तो वो श्रेष्ठता नहीं है। वो चलता फिरता रहे ना तो जीवन का आनंद है, पानी भी चलता रहे तो उसकी निर्मलता बनी रहती है, एक जगह इकट्ठा हो जाए तो बदबू मारे, बोलो सही है कि गलत है। संत भी चलता फिरता रहे ना, कभी यहाँ चले गए कभी वहाँ चले गए, भजन करा रहे हैं, कीर्तन करा रहे हैं, स्मरण करा रहे हैं, मंत्र जाप करा रहे हैं, कथा सत्संग चल रहा है, नाम जाप चल रहा है तो ठीक है, एक जगह पर अगर संत टिक गया तो उसकी श्रेष्ठता नहीं है। उसकी श्रेष्ठता वहां नहीं हो सकती। अब कोरोना महामारी के चलते कथा कुबेरेश्वर धाम में लगातार चल रही थी, ये कथा होने के बाद एक कथा और इसके पीछे होगी, उसके बाद में दिवाली आ जाएगी, दीपावली के बाद में 5 दिन की कथा और यहाँ होना है, उसके बाद में फिर भोलेनाथ जी की कृपा, जिन जिन के यहाँ की कथा है बाहर वहाँ पर बाबा लेकर जाएगा और कथाएं चालू होंगी, फिर बाबा की जब कृपा होगी 6 महीना 8 महीना साल भर जब कृपा करेगा तब यहाँ कथा का क्रम हो जाया करेगा। किस्मत वाले हो आप सब, भाग्यशाली हो जितने मनोरथी यजमानों ने इस कुबेरेश्वर धाम में कथा करवाई और अपने जीवन का सुख पाया। कोरोना महामारी के कारणवश निकलना नहीं हो रहा था, पर अब यजमान परिवार मानते नहीं, आना ही है गुरुजी, तो क्रम कथाओं का जहां जहां है वहां वहां जाएंगे, सूचना आपको मिलती रहेगी, चैनल के माध्यम से तो आप सुन सकेंगे, जहां भी कथा होगी वो चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। आपके कहीं पास में हो तो आ जाना, मना नहीं है, पर अब यहाँ तो व्यवस्था हो जाती है कि आप लोग आते हैं तो भोजन की व्यवस्था हो जाती है, रहने के लिए ये कथा हॉल है ही, थोड़ी व्यवस्था जहाँ अभी तो बाबा का बन रहा है कुबेरेश्वर धाम, यहाँ कोई इतनी व्यवस्था तो है नहीं, फिर भी आप स्नेह बश एडजस्ट कर अपने को ढाल कर यहाँ रहकर जैसा प्रसाद मिलता है रोटी दाल चावल सब्जी प्रेम से पाकर चाय नाश्ता लेकर आप आनंद पाते हो, इससे बढ़कर कोई सुकून नहीं सुख नहीं। बाहर आओगे जजमान जैसी व्यवस्था रख सके जितने की रख सके वो उसके ऊपर है, किसी पर दबाव तो रहता नहीं है हमारा कि आप इतना ही खर्च करना पड़ेगा या इतना ही करना पड़ेगा या भगत आएंगे तो उनको खाना ही खिलाना पड़ेगा, किसी की नहीं है इतना तो हम कैसे कह दें उसको। निर्मल भाव से आप कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हो, कथाएं तो लगातार लाइन से बहुत हैं 2024 तक, बाबा की कृपा है बाबा करा रहा है, और जिन जिन मनोरथियों की यहां यहां होगा वहां उनके समय पर यहां रहकर कथा करना होगा, भाव भक्ति आनंद। कुबेरेश्वर धाम में
कहीं शिव की कृपा हुई है इसलिए आप लोग सब आनंद ले रहे हो कुबेरेश्वर धाम की धरा से लाइव इस कथा का स्मरण कर कर। आस्था चैनल के माध्यम से, आस्था चैनल के द्वारा खबर आई है कि बीच में जो दीपावली के 5 दिन है उसका भी लक्ष्मी पूजन धनतेरस पूजन का स्मरण आप शिव भक्ति के माध्यम से बताएं, जिससे कई लोगों के घर में पूजन हो जाए तो उसका एक आनंद है। कैसी पूजन करना चाहिए, कैसा स्मरण करना चाहिए, लक्ष्मी को हम कैसे रिझा लें। हमारा तो एक निवेदन रहेगा केवल दिवाली पर ही लक्ष्मी को रिझाने का प्रयास मत करिए, दीपावली के दिन बहुत व्यस्त रहती हैं माँ। बहुत व्यस्त माता लक्ष्मी के पास में तो इतनी सी भी फुर्सत नहीं रहती कि वो भगवान विष्णु से बात कर सके, इसलिए दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश सरस्वती का पूजन देखा होगा पर नारायण लक्ष्मी का पूजन नहीं देखा होगा, क्योंकि टाइम मिले तो बात करें ना, तो समय नहीं रहता, सब के यहाँ जाना। पर यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आप शंकर के अनुमोदन में लगे हो, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे घी का दिया भी लगा रहे हो, तो लक्ष्मी किसी भी दिन आपके घर में प्रवेश कर सकती है। आपका भजन आपके साथ, आप हृदय से चित्त से मन से आप भगवान को रिझाओ, बस कैसे भी रिझाओ। माता रानी ने धनेश्वर को बोल दिया था कि 16वें साल में तेरा पुत्र मर जाएगा। अब माता रानी से पूछा ये बचेगा कैसे, तो कहा जिस संत ने मार्ग बताया, जिस संत ने मेरा भजन कराया उसी के पास चले, उससे विनती कर, उससे निवेदन कर, जब तू उससे निवेदन करेगा तो मिलेगा। दुख कौन काटेगा, तो कहा भगवान के सिवाय कोई दुख नहीं काट सकता।